बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम बर्राखेड़ी के अंडर ब्रिज में भरा पानी, 8 से 10 फीट पानी होने से गांव के रहवासियों का निकलना हो रहा दूभर। पटरियों के ऊपर से और पानी में तैरकर निकल रहे लोग। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम बर्राखेड़ी में रहवासियों को बारिश के दौरान खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां गांव में जाने के लिए रेलवे अंडर ब्रिज एकमात्र साधन है। वहां पर पिछले 2 दिन की बारिश की वजह से 8 से 10 फीट पानी भरा होने के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। महिलाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता पटरी पार करके जान जोखिम में डालकर गांव पहुंच रही है, तो वही गांव के पुरुष 8 से 10 फीट पानी में तैरकर गांव में जा रहे हैं। बता दें कि रेलवे द्वारा पटरी के किनारे अंडरग्राउंड पाइपलाइन कुछ महीनों पहले बिछाई गई थी, उसी के बाद से बारिश का पानी अंडर ब्रिज पर भरा हुआ है। करीब 20 दिन पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, तब तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने जेसीबी की मदद से यहां भरे पानी को डाइवर्ट कराकर निकाला था, लेकिन फिर वही स्थिति दोबारा निर्मित हो गई है। ग्रामीणों ने इस समस्या का स्थायी हल निकालने की मांग की। मौके पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे भी मौके पर पहुंचे, लेकिन मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने समस्या का हल जल्द कराने की बात स्थानीय रहवासियों से कही। सुमित्रा अहिरवाल, मैं ग्राम बर्राखेड़ा की आशा कार्यकर्ता हूँ जी। नीचे पुलिया भरी है, ऊपर लाइन क्रॉस करके आना पड़ रहा है और हमें बहुत परेशानी हो रही है। नौकरी के अभी हम मीटिंग में जा रहे हैं तो ऊपर से आए निकल के, वो तो तब से ये बनी है पुलिया। बारिश होती है तो ऐसी परेशानी होती है। डर है क्यों नहीं है, जान का खतरा है सभी को, हम ही को क्या, सभी को अपनी नौकरी करना है तो जाना तो पड़ेगा। पूरन सिंह यादव, समस्या क्या आ रही है इसमें? पानी भरा है। कितना पानी भरा है? पानी इसमें 7-8 फीट है। कब से भरा है और क्या हो, निकलने में परेशानी आ रही, क्या हो रहा है? निकल ही नहीं रहा पानी, वो तो जिस दिन से मुझे अंडर ब्रिज बना है उसी दिन से परेशानी है। किस कारण निकलते हैं? पैर पैर के निकलते हैं, एक आदमी पे उस ट्रेन फंस निकलता है, एक आदमी उस साइड खड़ा होता है, जब इस साइड निकल पाती हैं 3-3 ट्रेनें चल रही हैं। पुलिया के नीचे पानी भरा है, कहीं और कहीं से रास्ता है निकलने के लिए? नहीं, और कहीं से रास्ता नहीं है, कहीं रास्ता है बस। रंजन सिंह, कौन सा गांव है? बर्राखेड़ा। क्या समस्या आ रही है? ये पुलिया की समस्या है सर सबसे बड़ी। पुलिया में पानी भरा है, मैं उसमें से निकल के आ रहा हूँ। उसमें भरा है कम से कम 8-10 फीट पानी भरा है और मैं तैर के निकला हूँ। कितने दिन से ये? 1 हफ्ते हो गया सर इसे। कोई अधिकारी या कोई अधिकारी के सामने जाते हैं साहब, कोई नहीं सुन रहे हमारी। मैं सुंदरलाल मालवीय, सरपंच ग्राम पंचायत, सरपंच प्रतिनिधि जी। सर ये समस्या तो पिछले 1 हफ्ते से और नीचे से पानी आ रहा है। पहले टेंडर था, रेलवे ने टेंडर दिया था तो पानी फेंक रहा था, अब वो टेंडर पिछले हफ्ते से ख़त्म हो गया। जो अधिकारियों को फ़ोन लगाए तो वो बता रहे हैं टेंडर हो रहा है, ऐसे करते करते 15 दिन निकाल दिए। लोगों का आना जाना बंद है, ऊपर से बंद कर दिया है गेट को। एरियन मैडम आई थी तो वो खुद बंद करवा गई थी। इस बीच में तहसीलदार महोदय आए थे, उनने खुलवा दिया था ऊपर से, फिर बाद में आए तो बाद में फिर बंद करवा दिया। अभी आपने देखा ग्रामीण कैसे निकल रहे हैं, 7 से 8 फीट पानी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों का आना जाना बंद है। अधिकांश लोग यहाँ डेयरी का धंधा है तो सुबह शाम दूध लेकर जाते हैं, तो वो दूध भी नहीं जा पा रहा है लोगों का। गाड़ियाँ जहाँ पे रखी हैं तो पेट्रोल चोरी हो रहा है, कहीं की गाड़ी भी चोरी हो रही है, सामान चोरी जा रहा है, ऐसे हालात बने हुए हैं। और जो इसको तैरना आता है वो निकल जाता है, जिसको नहीं आता वो फंसा है। DRN है तो इनका कहना है कि मैंने ऊपर लिख के भेज दिया है, अब ऊपर वाले जाने।
उनका कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया।